नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मोदी सरकार अपने एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण बिल नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा से पारित करा लिया। एनडीए अपने बहुमत के दम पे लोकसभा में विपक्ष को जीत कर। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के हर विषय के लिए भारतीय भवन का नया उपहार, दो वॉल्यूम में परीक्षा के नए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ रिटन पास, ऑल इन वन गेज पेपर, तो दिए अपनी परीक्षा की तैयारी को नई रफ्तार रिटन पास गेज पेपर के साथ। हमारे साथ हैं बिहार से इकलौते लोकसभा सांसद कांग्रेस के जो किशनगंज से सांसद हैं मोहम्मद जावेद, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से बीजेपी अपने बहुमत के दम पे नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित कराई, क्या विपक्ष राज्यसभा में इसे रोक पाएगी। जावेद साहब, जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी इस बिल को पास करा ली अपने बहुमत के दम पे, अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा में फंस सकती है पेच। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं और जितने भी बीजेपी के अलावा पार्टीज हैं जी, उनको ये समझना होगा कि आज़ादी के बाद इतना कम्युनल बिल कभी पास नहीं हुआ। कम्युनल ही नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी मुस्लिम है। आज तक हिंदुस्तान की एक इमेज थी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री की पूरे विश्व में, जो कल का कानून पास हुआ ये साफ लोगों को बता दिया है कि ये सिर्फ राइट विंगर नहीं है, ये एक मुस्लिम हेटिंग गवर्नमेंट है, जिससे हिंदुस्तान की छवि बहुत ख़राब हुई है और इसका नतीजा घर में नहीं घर के बाहर भी बहुत गंभीर होगा। सर, आप बिहार से इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं, पूरा एनडीए वहाँ पे 39 सीट पे, आकर क्या लग रहा है कि बिहार में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ये बिहार ही नहीं, मैंने कहा ना पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी, चूँकि आप गौर करेंगे कि लगभग 3.5 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में हैं जी, और उसमें से आधा से ज़्यादा अरब मुल्कों में है, जिसको मुस्लिम बहुमूल देश, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, दुबई हो, मलेशिया हो, इस तरह के मुल्कों में हमारे लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो इस तरह का जो काला कानून बनाया है, जिसमें साफ दर्शाया है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं या मुसलमानों की जो इंटरेस्ट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह के कानून से हमारे भारतीयों को बाहर भी परेशानी होगी। सर, बिहार में जिस तरह से जदयू के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है प्रशांत किशोर, वो साफ तौर पे जो जदयू का स्टैंड रहा इस बिल के प्रति, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व वो विरोध नहीं किया, तो कहीं ना कहीं लगता कि जदयू भी कुछ असमंजस में पड़ी हुई है। देखिए, जदयू एक अपनी एक पार्टी है और बिहार में उनकी मिलीजुली सरकार है और उनके नेता नीतीश जी, बहुत लोग उनको इज्जत से भी इज्जत भी देते हैं और इज्जत करते हैं और बहुत लोग उन पे शक की निगाह पे भी देखते हैं, लेकिन ये जो कल का फैसला रहा उनका, ये वाकई बहुत अफसोसजनक है और उनके चाहने वालों में काफ़ी एक झटका सा लगा होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिहार के हित में भी और उनके लिए भी ये बहुत ही डेट्रमेंटल है। सर, लोकसभा में तो बिहार से सिर्फ आप ही एक विपक्ष में कांग्रेस के, आरजेडी के कोई भी पार्टी के लीडर नहीं है, कोई भी सांसद नहीं, लेकिन राज्यसभा में आरजेडी के हैं एमपी लोग, तो उनसे बातचीत हुई है इस बिल को लेकर के? उसको दर्शाना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यसभा में हम लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे और जो लोग अभी भी उनके पक्ष में हैं, बीजेपी के पक्ष में हैं, इस गंभीर और कम्युनल एंटी मुस्लिम बिल जो पास हुआ है पार्लियामेंट से, लोकसभा से, कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो लोग सब लोग मिल के कोशिश करेंगे कि ये राज्यसभा में पास ना हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर ये बिल को कोई भी असंवैधानिक करार देता है, कोई बताता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगी, तो बिल को वापस ले लेंगे। देखिए, बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है,
वो कहती कुछ और है और करते कुछ और है, तो उस पे ज़्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रिलायबल नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जो नहीं बोलते हैं वो ज़्यादातर वही करते हैं।